हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग एक ओवरव्यू से करेंगे और ओवरव्यू में मेंशन जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से। देखिए, बैंक को चलाना कोई आसान काम नहीं है। बैंक को रन करने में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इन रिस्क को हम लोग तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। और इनमें से कोई भी रिस्क बैंक के फेलियर का कारण बन सकता है। और बैंक फेल होने का मतलब आप समझते हो? बैंक फेल होने का मतलब ये है कि डिपॉजिटर्स ने जो पैसा बैंक के पास रखा है अब वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और सोच के देखो कि अगर ऐसा हुआ तो इससे किस तरह का क्योस क्रिएट हो सकता है। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा और इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसका असर सिर्फ एक बैंक पर नहीं पड़ेगा, इसका कॉन्टेंजियन इफेक्ट भी हो सकता है। लोग सभी बैंकों से अपना पैसा निकालना चाहेंगे और जब बैंकों के पास ही पैसा नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज को लोन कौन देगा? इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? यानी एक बैंक का फेलियर इकोनॉमिक डाउनटर्न का कारण बन सकता है। और सोच के देखिए कि अगर एक देश की इकोनॉमी डाउनटर्न लेती है तो क्या इसका असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पड़ेगा या नहीं? आंसर है पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ऐसा ना हो इसीलिए BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स नाम की एक संस्था ने बासल नॉर्म्स जारी किए हैं, जिन्हें बासल अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। और इस तरह के तीन अकॉर्ड्स हैं, बासल 1, बासल 2 और बासल 3। बासल नॉर्म्स बैंक्स को रिकमेंड करते हैं कि वो इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ पैसा अलग से उठा कर रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अगर एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में ट्रेवल करते हैं और आपको डर है कि आपकी जेब कट जाएगी, तो आप कुछ पैसे अंदर की पॉकेट में रख देते हैं ताकि अगर आपकी जेब कट जाए तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे हो कि आप वापस घर जा सके। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक बैंक किस तरह ये डिटरमिन करे कि उसके लिए कितना पैसा सफिशियंट होगा इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में CAR, CRAR और RWA के कंसेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा इन बासल अकॉर्ड्स में ये भी कहा गया है कि इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जिन पैसों की जरूरत होगी उन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल। इन्हें भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बट इन सब चीजों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये BIS नाम की संस्था क्या है और ये करती क्या है। BIS बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हालांकि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि BIS वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसे 1930 में स्टेब्लिश किया गया था एट बासल। यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड की बासल सिटी में है। और इसे 62 ऐसी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ओन करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की 95% ऑफ द GDP को कवर करते हैं। और ये सभी सेंट्रल बैंक्स BIS के थ्रू आपस में कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इस तरह BIS वर्ल्ड वाइड मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, BIS सेंट्रल बैंक्स और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। BIS के अंदर बहुत सारी कमिटीज हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट कमेटी है बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS। इसे 1974 में G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो शुरुआत G10 कंट्रीज के साथ हुई थी, लेकिन बाद में इसकी मेंबरशिप को लगातार बढ़ाया गया है। बट हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही वो कमेटी है जिसने उन नॉर्म्स को डेवलप किया है जो कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को साउंड एंड स्टेबल रखने में मदद करते हैं। और इन्हीं नॉर्म्स को हम लोग बासल नॉर्म्स या फिर बासल अकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो अभी तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने इस बात को समझा कि BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है और ये क्या काम करती है। बट बासल 1, 2 और 3 को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक्स किस तरह के रिस्क को फेस करते हैं। देखिए, जब भी एक बैंक किसी को लोन देता है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंक की इनकम होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बैंक लोन ज्यादा देगा तो बैंक की इनकम भी ज्यादा होगी। बट लोन का बिजनेस एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पैसा वापस मिल भी पाएगा या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा लोन मतलब ज्यादा रिस्क। और ये बात भी आप जानते हो कि जो पैसा बैंक लोन में देता है वो पैसा बैंक का खुद का पैसा थोड़ा ना होता है। बेसिकली जो पैसा आपके और हमारे जैसे लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे से बैंक आगे लोन देता है। हालांकि बैंक्स के फंड्स के कुछ और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि बैंक ने अपनी इक्विटी के बदले इस फंड को इकट्ठा किया हो या फिर फाइनेंशियल मार्केट से
उधार पर ये पैसा उठाया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने जो अमाउंट लोन में दी है, अगर वो उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स की अमाउंट ही रिटर्न ना कर पाए। और अगर एक बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा ही ना लौटा पाए, तो ऐसे बैंक पर ताला लगना तो तय है। और क्योंकि लोन या फिर उधार के लिए जिस टर्म को यूज किया जाता है, वो टर्म है क्रेडिट, इसीलिए इस रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क की, जो है मार्केट रिस्क। देखिए, बैंक्स के पास जितने सरप्लस फंड्स होते हैं लोन देने के अलावा, वो उन्हें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिक्योरिटीज इन बॉन्ड्स, शेयर्स, रियल एस्टेट्स एटसेट्रा। बट इनमें कई सारे इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, जहां पर प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से होते रहता है, और इसी रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। तो ये तो बात हुई मार्केट रिस्क की, लेकिन मार्केट रिस्क के अलावा बैंक्स कई सारे ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी ससेप्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। इसके अलावा बैंक में डकैती पड़ जाती है कई बार, और साइबर अटैक्स भी बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, जैसे कोई सर्वर खराब हो गया या डेटा लॉस्ट हो गया, इस तरह के इश्यूज भी ऑपरेशनल रिस्क में काउंट होते हैं। और इन्हीं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS ने 1998 में बासल 1 नॉर्म्स को फॉर्मुलेट किया। इसके बाद 2004 में ये रिवाइज वर्जन लेकर आए इन द फॉर्म ऑफ बासल 2, और अभी करेंटली बैंक्स जिस लेटेस्ट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं वो है बासल 3, जिन्हें 2010 में फॉर्मुलेट किया गया था। ये नॉर्म्स हर एक मेंबर कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, और सेंट्रल बैंक अगर चाहे तो इन नॉर्म्स को एज इट इज या फिर एक मॉडिफाइड फॉर्म में अपने देश में लागू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बासल 1, बासल 2 और बासल 3 को डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सावा।